जिले में किसानों को सभी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी पिछले 10-15 दिन से फसलों के हार्वेस्ट का सीजन चला हुआ था, उसमें हमने उनकी सभी चीज़ों का ध्यान रखा और सीड डिस्ट्रीब्यूशन और दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में डिपार्टमेंट फुल काम कर रहा है। और पीएम किसान निधि में हमारे पास जो लगभग 60,000 फार्मर्स एलिजिबल है, उनमें से अभी रिसेंट में 5th किस्त उनकी आई थी, जिनमें 36,812 फार्मर्स की 5th किस्त आ चुकी है। और जो तैयारियां हैं नया सीजन, जो सोविंग का सीजन आ रहा है, मक्की और जो दूसरी चीज़ें सोविंग करनी है, उसके रेस्पेक्ट में भी डिपार्टमेंट ने लगभग 8,000 फार्मर्स को अभी तक सीड डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये जो काम फुल फ्लो पर चला हुआ है। जो मशीनरी है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगी हुई है, उनके मूवमेंट्स के लिए कोई पास की जरूरत नहीं है। और डिपार्टमेंट्स अगर किसी को पास की जरूरत भी होती है तो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर उनके ऑफिशियल्स को हमने ऑथराइज कर रखा है। और इसमें जिन जिन फार्मर्स का इश्यू है उसको हम लोग हैंडल भी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू और फॉलो कर रहे हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण के खतरे के चलते लॉकडाउन जारी होने के बावजूद भी किसानों को ये राहत दी गई। किसान खेती करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ध्यान रख रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार ही किसान कार्य कर रहे हैं। इस महामारी के समय जब किसान का खेत में जाना बहुत आवश्यक है, आप देख सकते हैं किसान इस अपने धर्म को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। जैसा कि उपायुक्त हरिकेश मीणा ने भी इस तरफ इशारा किया कि किसानों की समस्याओं का प्रशासन हर समाधान करने के लिए कार्य कर रहा है। इसी तरफ किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की और प्रशासन का धन्यवाद किया। मेरा नाम कर्मचंद है, मैं गोपाल नगर दुड़ुई का स्थायी निवासी हूँ। मुझे 2000 किसान सम्मान योजना के तहत मेरे खाते में मिल गया, पड़ गया है और समय से हमें बीज भी मिल रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभारी धन्यवाद करता हूँ। मैं सुनीता देवी डही रंगत डही की निवासी हूँ। प्रधानमंत्री योजना द्वारा हमारे खाते में भी 2000 रुपया आ रहा है। हमें कृषि विभाग द्वारा बीज भी प्राप्त हो रहे हैं। गेहूं की कटाई का उचित दूरी का भी ध्यान रख रहे हैं।